हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पीवाई क्यू सीरीज में वी आर गोइंग टू डू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से देखिए हर साल क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आईआईटी जैम फिजिक्स में आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, यू ऑलवेज हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर करना ही है, मतलब ये काफ़ी रिवार्डिंग चैप्टर है। So if you do this chapter, you will always get one or two question from this chapter. ठीक है, हर साल every year। 2015 के बाद से देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया है, 2015 से बल्कि कहेंगे 2014 तक इट वॉज ऑल सब्जेक्टिव एंड मिक्स ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद MCQ, MSQ और NAT वाला पैटर्न चालू हुआ था 2015 से। तो आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा ही इस चैप्टर से आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो मतलब इट इज़ वन ऑफ दो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। सो यू मस्ट डू दिस चैप्टर, इस चैप्टर करना है। और हम लोग 2005 से लेके 2022 तक जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है सारा हमने कलेक्ट कर लिया है और सारा हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। अभी हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ना, दो यू हैव योर IIT JAM 2023 एग्ज़ाम ऑन 12th of February। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी करना है, तो सारा प्रीवियस पेपर आपको करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। एंड बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि वीडियो नए नए लोग भी देख रहे होंगे, तो यू मस्ट नो द टीचर जिस जो आपको पढ़ा रहा है। तो माई नेम इज़ विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002। इट इज़ ऑलमोस्ट 20 years नाउ and I have been teaching for IIT JAM since 2005 जब पहला एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस। और वी आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेजेक्टरी एजुकेशन चैनल का नाम है यूट्यूब पे। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, टिविद्या लर्निंग ऐप। इस पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ये देखिए एमसीक्यूज में देखो 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक करेक्ट होता है और बाकी 3 इनकरेक्ट रहेंगे। तो एक ऑप्शन जो सही दिख जाए उसको टिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। देखिए ये देखो 2006 में आया है। उस समय जो पैटर्न था 15 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे। 15 ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स का होता था और जो सब्जेक्टिव होता था वो 21 मार्क्स का होता था। 210 नंबर प्लस 90 300 मार्क्स का पेपर होता था। तो ये 2006 में आया है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी ई कमिंग फ्रॉम -∞, मतलब ये आपका 0 है और -∞ इज समथिंग लाइक दिस, बहुत दूर से आ रहा है। और क्या लिखा है, बैरियर 2A है और हाइट इज V0 सेंटर्ड एट द ऑरिजिन, और V0 जो है E से बड़ा है। ठीक है, तो वेव फंक्शन आपका रीजन, इस रीजन में वेव फंक्शन चाहिए आपको। ये मान लो रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है। तो यू नीड वेव फंक्शन इन रीजन 2। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या आ जाएगा, d² psi/dx² 2m e - v0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब आपका e जो है v0 से छोटा है, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, अच्छा, ओके। अब ये हम लोग को दे रखा है, दिस इज k² बेसिकली। तो ये हो जाएगा आपका -k² psi, एंड k² इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये रीजन 2 में आ गया ना, ये रीजन 2 में है, मतलब माइनस से प्लस के फॉर्म। ये क्या आएगा, a e to the power kx प्लस बी टू द पावर माइनस के एक्स, ठीक है, इस फॉर्मेट का होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है, ए इज करेक्ट। मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई टू द पावर के एक्स एंड ई टू द पावर माइनस ऑफ के एक्स, ई टू द पावर के एक्स एंड ई टू द पावर माइनस ऑफ के एक्स, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ये चीज? कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में डालिए, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी। ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वन डायमेंशनल बॉक्स में है पेनेट्रेबल वॉल्स, आइगन वैल्यू इज 2eV, द कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन इज शोन बिलो। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं नोड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड। तो ग्राउंड स्टेट में कोई भी नोड नहीं होता है, इसको नोड नहीं बोला जाता, ध्यान रखिए, माइनस है या प्लस है पे भी एक्सिस को कट कर उसको हम लोग नोड नहीं बोलते हैं, वॉल होता है वो, अब बीच में कहीं कट करता है उसको हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में कोई भी नोड नहीं होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब सेकंड जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसमें एक नोड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में दो नोड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तीन नोड, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका n=2 वाला ग्राफ है, ये n=2 वाला ग्राफ है, ठीक है, और ई एन क्या हो जाएगा? ई एन इज n²h²π² अपॉन 2ml²। l is the length of width of the well। तो l यहाँ पे क्या है? l यहाँ पे 2a है। So it is 8ma²। ठीक, आपको क्या दिया हुआ? ग्राउंड स्टेट दिया हुआ। तो ग्राउंड स्टेट क्या है? अच्छा नहीं, इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखा है, n=2 दिया हुआ ना, तो e2 कितना हो गया? E2 is 4 times this number, ठीक है, या E2 आपको दे रखा है 2eV, तो E1 क्या हो जाएगा? हम लोग कह सकते हैं E1 will be E2/4, क्योंकि E1 क्या होगा? E2 आपका ये हो गया ना 2 square of this, इसको E0 बोल दो, ठीक है, and E1 will be E0, तो E1 is E2/4, तो 2 eV/4 कितना हो जाएगा? 0.5 eV। समझ रहे हो ना? ई एन जो है n² पे डिपेंड करता है, तो E2 आपका 2 square into दिस, इसको हम लोग E0 बोल रहे हैं, 2 square into E0 है, और E1 क्या है? 1 square into E0। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना E1 is E2/4, वही हम लोग ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज? ये कब आया था? ईयर नहीं देखे, 2007 में आया था। तो उसमें देखो 15 क्वेश्चन ही आता था, ठीक है, तो मतलब कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, तो सब्जेक्टिव तो आता ही आता था ना, सब्जेक्टिव तो क्वांटम मैकेनिक्स से, श्रोडिंगर इक्वेशन से आ ही जाता था एक आध क्वेश्चन, ठीक है। ओके, मतलब क्वेश्चन का संख्या कम था, 15, 10, 25 था, अब 60 क्वेश्चन है, तो कवरेज बहुत बढ़िया हो जाता है सिलेबस का, तो इसलिए कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकता। उसमें थोड़ा सेलेक्टिव होकर भी लोग क्वालिफाई कर जाते थे, ठीक है, और इनफैक्ट मेरा पढ़ाया हुआ में से ही इतना आ जाता था कि लोग क्लास का नोट्स पढ़ के ही क्वालिफाई कर जाते थे, ठीक है। ओके, जो क्या बोल रहा है? पार्टिकल ऑफ मास इज कन्फाइंड इन 2 डायमेंशन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल ऑफ पोटेंशियल ऑफ साइड ए, द आइगन एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन गिवन स्टेट इज दिस। ओके, देखो 2 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल का जो एनर्जी होगा वो ये हो जाएगा E(nx, ny) इज सिमेट्रिक वेल है, (2ma²) ठीक, and this is equal to ठीक है, दैट मीन्स nx प्लस ny इज हाउ मच, सॉरी ये 25 है, 2m स्क्वायर नहीं है, मतलब ये हो गया एक तरह से 50 एच का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 2m स्क्वायर, यानी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इज 50. ठीक है, आज जो आइगन स्टेट होता है, आइगन स्टेट इज डिफाइंड बाय दीज क्वांटम नंबर्स. ठीक है, अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, nx स्क्वायर ny स्क्वायर, nx ny के मतलब पूरा आइगन स्टेट जो है, आइगन स्टेट इज डिफाइंड बाय आइगन फंक्शन, एंड आइगन फंक्शन वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय दीज टू क्वांटम नंबर्स, एंड दीज क्वांटम नंबर्स आर नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो जीरो नहीं हो सकता है. ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बताओ, nx ny एक तो समझ में आ रहा है कि 5 और 5, एक हो सकता है 1 और 7, और एक 7 और 1, और तो हमको कोई दिख नहीं रहा है जिससे 50 बने. सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स इज 50, यही कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमको, तो 3 फोल्ड डिजेनरेट है, इट इज 3 फोल्ड डिजेनरेट है ना, कह सकते हैं हम लोग द स्टेट इज 3 फोल्ड डिजेनरेट. ओके ठीक है, 2010 में बहुत इजी क्वेश्चन देखो जैम का मतलब में आ रहा है. ठीक है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है. ओके पहले फिर भी ठीक था, अब तो और इजी ही हो गया है सारा एग्जाम, जब से ये ऑब्जेक्टिव किए हैं तो बहुत इजी हो रखा है. 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिव पार्टिकल्स ईच ऑफ स्पिन हाफ एंड मास m आर मूविंग इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल. ठीक है, स्पिन हाफ है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग जाएगा, एक स्टेट में 2 पार्टिकल रहेंगे, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन होके. ठीक है, मतलब आपका जो एनर्जी है, मतलब इसमें क्वांटम नंबर तो n ही है ना, ई एन इज डिफाइंड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2ma स्क्वायर. तो मान लो n इक्वल टू 1 का बात करें तो इसमें 2 लोग रहेगा, 1 और प्लस हाफ और 1 और माइनस हाफ. 2 क्वांटम नंबर है, एक आपका n हो गया और एक हो गया स्पिन, मतलब क्वांटम नंबर यहाँ 2 हो जाएंगे, एक n और एक ms. ms के 2 वैल्यू हो सकते हैं, प्लस माइनस हाफ, यही पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखो, जितने डायमेंशन का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उतने ही क्वांटम नंबर जनरेट करेगा, मतलब 1 डायमेंशनल वेल है तो एक क्वांटम नंबर जनरेट करेगा n, 2 डायमेंशनल वेल है तो nx ny जनरेट करेगा, 3 डायमेंशनल बॉक्स है तो nx ny nz आपको 3 क्वांटम नंबर देगा. तो जो स्पेस के क्वांटम नंबर हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं, और स्पिन एक अलग ही उसका जीनेसिस है. ठीक है, तो ये स्पेस क्वांटम नंबर है n, और ms स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर s होता है, तो s ms वेरीज फ्रॉम माइनस s टू प्लस s, तो s आपका हाफ है तो ms कैन बी माइनस हाफ टू प्लस हाफ. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 है, तो आपका अगर ऐसे बना ले हम लोग तो n इक्वल टू 1 है, एक n इक्वल टू 2 है, तो इसमें 2 पार्टिकल हो गए आपके, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ या माइनस जो भी ले लो. तो ये एनर्जी कितना है तुम्हारा, E1 हो गया तुम्हारा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m स्क्वायर, E2 कितना है 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी कितना बनेगा, इसमें 2 है तो इतना इंटू 2 और प्लस दिस, तो हो जाएगा 2 और 6 मतलब 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, मतलब ये वाला आंसर सही बन रहा है. ठीक है, सी वाला आंसर सही बन रहा है, इसको जोड़ दोगे ना, टोटल जोड़ोगे तो क्या बनेगा 6 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर. ठीक, ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी मतलब है ये सब क्वेश्चन. ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए. ठीक है जी, कोई डाउट हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं वहाँ पे डाउट पुट करने का ऑप्शन जो भी है उसका अवेल करिए. द क्वेश्चन विल कम डायरेक्टली टू मी एंड आई विल सॉल्व देम. ठीक है, to the best of my capability. ठीक है, the four particles of mass m each are inside two-dimensional square box of length l, say side length l. If each state obtained from the solution of Schrödinger equation is occupied by one particle, minimum energy is what? देखो, ENX अभी लिखे थे, NY is given by h cross square pi square 2ml square. अब मिनिमम हम लोग को करना है तो मिनिमम क्या आ जाएगा, देखो ये वेल बनेगा तो एक तो हो गया तुम्हारा 1 1 सबसे जो मतलब सबसे जो लोएस्ट एनर्जी यही देगा जो आइगन स्टेट है, इट इज डिस्क्राइब बाय दीज टू क्वांटम नंबर्स. अब देखिए नीचे से भरना चालू कीजिए, जो लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, एनएक्स एन वाई का 1 1, एनएक्स एन वाई में से कोई जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखिए. एक्चुअली देखो जो तुम्हारा आइगन फंक्शन है वो ये होता है 2/a sin nx pi x/a and sin ny pi y by a. यहाँ पे तो a ही रहे ना, दोनों l है मतलब, ठीक है. तो nx ny जीरो नहीं हो सकता, जीरो का मतलब हो जाएगा साई जीरो हो जाएगा, साई जीरो का मतलब हो जाएगा कि मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पार्टिकल डू एग्जिस्ट, साई कैन नॉट बी जीरो इनसाइड द वेल. मतलब कोई भी आइगन फंक्शन जो है ना आपका जीरो नहीं हो सकता है, आइगन फंक्शन कांट बी जीरो, अदरवाइज वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा पार्टिकल को, ठीक है. तो एक तो वन स्पिन दे नहीं रखा है, समझ रहे हो ना, स्पिन नहीं दे रखा है, मतलब कहीं भी स्पिन का इंडिकेशन नहीं है. और लिख रखा है क्लियरली ईच स्टेट इज ऑब्टेन्ड इज ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल ओनली, ठीक है. एक तो ये हो गया तुम्हारा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 2 2 1, इसमें दो पार्टिकल रह जाएगा, दो स्टेट है ना ये, मतलब ये जो आपका एक जो E1 1 हो गया, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, ये नॉन डिजनरेट है. और जो सेकेंड वाला स्टेट है E12 या E21 बोल लो, ये जो है E12 इज सेम एज E21, राइट. सो दिस विल बी व्हाट 5h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर. तो ये टू फोल्ड जनरेट, मतलब दो आइगन स्टेट का सेम एनर्जी है, तो एक एक आइगन स्टेट पे एक एक पार्टिकल रहेगा, ठीक है. और तीसरा क्या हो जाएगा 2 2 2 2, क्या हो जाएगा 4 4 8, 3 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 2 ही रहेगा, ठीक है. तो इसमें एनर्जी कितना हो जाएगा 4 4 8. तो एक पार्टिकल यहां आ गया, एक दो पार्टिकल यहां आ गया, एक पार्टिकल यहां आ गया. तो ये एक पार्टिकल यहां आया, इसमें दो पार्टिकल आया, इसमें एक पार्टिकल आया, यही मिनिमम एनर्जी बनेगा. भाई मिनिमम एनर्जी सिस्टम का कब बनेगा, नीचे से फील होते हुए आएगा, है ना, सबसे नीचे वाले एनर्जी स्टेट में जाएगा, फिर उसके अगला एनर्जी स्टेट में जाएगा, ऐसे होगा तभी तो मिनिमम एनर्जी आएगा आपका. तो कितना बनेगा 8 और 10 10 8 18 और 2 20, यानी टोटल एनर्जी आ रहा है 20 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर. हाँ ठीक तो है 10. अच्छा इसने क्या किया है एच में लिखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, एच में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4ml स्क्वायर, यानी 5/2 ये बी आंसर आ जाएगा, ठीक है. इसके यूनिट में पूछा है तो ये 5/2 इंटू दिस सारा ना, ठीक है, समझ रहे ये चीज. ये देखो 2014 में ये क्वेश्चन आपको आया है, ज़्यादा फास्ट नहीं होंगे हमको लगता है, समझ में तो आ ही रहा होगा. इसमें तो वीडियो है तो रिपीट करके देख लेंगे, क्लास में तो कई बार बताना पड़ता था, ये एक फायदा है यहाँ पे, ठीक है. देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल विथ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल गिवन बाय दिस, ये स्टेप पोटेंशियल है, दिस इज स्टेप पोटेंशियल. मतलब x 0 के पहले कोई फ्री पार्टिकल है, उसके बिल्कुल से एक स्टेप बैरियर टाइप का आ गया. वेव फंक्शन फॉर ई लेस देन वी नॉट in the region x greater than 0 is easy है। ये आपका x इक्वल टू 0 हो गया, ये आपका ये e less than v नॉट है, तो इसलिए ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। तो रीजन 2 में क्या हो जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन, ये आ जाएगा। So this is e less than v नॉट है ना, तो ये पॉजिटिव संख्या है, इसको लोग के स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, यानी साई जो हो जाएगा वो आ सकता है a e टू द पावर के एक्स b टू द पावर माइनस के एक्स। अब एक चीज समझो, ये रीजन क्या है, x ग्रेटर देन 0। अब पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े होंगे, तो उसमें जो पहला पॉस्टुलेट हो वो तो वेव फंक्शन के बारे में बताता है, वेव फंक्शन का जिक्र करता है। सेकेंड पॉस्टुलेट वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी बताता है, क्योंकि वो वेव फंक्शन किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहा है, सो दैट वेव फंक्शन हैज टू बी अ वेल बिहेव्ड फंक्शन, ठीक है। साइज ए वेल बिहेव्ड फंक्शन, वेल बिहेव्ड फंक्शन का 3 मीनिंग होता है, इट शुड बी फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए कभी भी, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, किसी एक वेरिएबल पे 2 वैल्यू पोजेस नहीं करेगा। मतलब इट कैन नॉट बी समथिंग लाइक दिस, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, देखो यहाँ पे x का एक वैल्यू पे कई सारा साई का वैल्यू है, ये नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस। अब आप एक चीज देखो, रीजन 2 में व्हेन x गोज ऑन इंक्रीजिंग दिस विल गेट अनबाउंडेड एट x इक्वल टू इंफिनिटी, this will go to infinity, so it will not remain finite. In that case a has to be 0. In order to make psi finite in the whole region 2, a has to be 0. That means it would be simply this, ठीक है। तो ये आ गया आपका b आंसर, ठीक है। तो MCQs है, एक भी सही रहेगा तो बाकी सब गलत ही है, बाकी चेक भी कर सकते हो चाहो तो, है ना, कि बाकी सब कैसे गलत है। ओके, चलेगा। ये देखो, ये 2018 में क्वेश्चन आया है आपका, देखो क्या बोल रहा है। ये भी आपका वन डायमेंशनल बॉक्स है, ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स है। एट सम इंस्टेंट वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ओके, साई 1 साई 2 ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। क्या पूछ रहा है, अब एक चीज समझो, अब एक चीज ये देखो कि जो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उस सारे ही ऑप्शन में अलग अलग है। ये 3/2 है, इधर 8/2 है, इधर 1/2 है, इधर 4/2 है, ठीक है। तो इस सारे में देखो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन अलग अलग है, यहाँ पे देखो सेम है एक्स वाला, यहाँ भी सेम है। तो बेस्ट क्या होगा, बेस्ट है कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल लें, उससे छट जाएगा ऑप्शन सारा। बेस्ट तो यही है ना कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल लें। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम देखो पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आपको हम बताए थे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, पार्टिकल 2 जगह पाया जा रहा है, साई 1 और साई 2 में। साई 1, अच्छा देखो नॉर्मलाइजेशन देख लो, 1/3 + 2/3 1, ठीक है, चलेगा, नॉर्मलाइज है। तो साई 1 में रहने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, और साई 1 में एनर्जी कितना होगा, साई 1 में एनर्जी हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। साई 2 में रहने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, और इसमें एनर्जी क्या हो जाएगा, 4h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन, ठीक, ओके। तो वैल्यू कितना हो गया जी, 1/6 और 8/6 यानी 9/6 यानी 3/2। ठीक है, ठीक तो है। ए वाला है, हमको लगा कहीं नहीं है क्या, ये है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो कहीं 3/2 नहीं है ना। ये भी काटोगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ भी काटोगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, 2018 का क्वेश्चन है ये। आगे चले तो क्या बोला, फॉर ए क्वांटम पार्टिकल कन्फाइंड इन ए क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ एल ग्राउंड से एनर्जी इज ई नॉट फॉर 6 एक्साइटेड सेट क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, इज व्हाट एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ठीक, इसको हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, 1 1 1 यही लिस्ट वैल्यू हो जाएगा ना, 3h² पाई स्क्वायर बाई, और ये बोल रहा है ई नॉट है तुम्हारा। अब फर्स्ट एक्साइटेड सेट क्या हो जाएगा, E1। कोई 2 1 1 या 1 2 1 या 1 1 2 इस टाइप का हो जाएगा ना क्वांटम नंबर, 3-4 डिजनरेट हो जाएगा इंटू 2 1 1 कर दो तो 4 1 5 1 6। ठीक है, तो ये एक तरह से हो गया क्या, ट्वाइस ऑफ ई नॉट, 2 में 4 1 5 1 6 ट्वाइस ऑफ ई नॉट। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ई नॉट आपका ये आंसर जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 2019 में आया था। थोड़ा देखिए, हमेशा ही एग्जाम में ना टफ क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो उससे ठीक रहता है, बच्चा लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी करता है। इसमें ये सब क्वेश्चन में क्या है कि जो कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा बराबर हो गया, तो फायदा नहीं है उससे, द गुड नॉट गुड फॉर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए, कंसीडर मोशन ऑफ पार्टिकल एम ई अंडर इन्फ्लुएंस पोटेंशियल आर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ समझो, अगर एनर्जी लेस देन वी नॉट हुआ तो पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कुछ पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी इधर जाने का रहेगा, बट स्टेडी स्टेट में वो पार्टिकल भी वापस ही आएंगे, मतलब पार्टिकल हैज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्रिंग इनटू दिस रीजन 2 इफ ई इज लेस देन वी नॉट, लेकिन फाइनली दोज पार्टिकल हैव टू कम बैक। ठीक है, वो पार्टिकल इधर नहीं रह जाएगा, पेनेट्रेट करेगा, लेकिन पेनेट्रेट करेगा वापस फिर रीजन 1 में ही आएगा वो। तो फॉर ई लेस देन वी नॉट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमेशा ही 1 होता है फॉर ई लेस देन वी नॉट। ये स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है, ई लेस देन वी नॉट के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमेशा ही 1 होता है, और ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट विल बी लेस देन 1। अब चेक कर लो कौन सा है। ए का तो गलत हो गया, ई बड़ा है। ठीक है, ये सही है, वी नॉट बाई 2 के लिए। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी सही है, इतना याद रखो। ठीक है, बाकी तो कैसे ये सब होता हो तो थ्योरी पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा, तो बाद में वो सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले साल के बच्चों के लिए, इस साल तो लेट चैनल शुरू किए ना हम, तो यही सब सर्विस दे सकते हैं आपको। ठीक है, ओके, ये देखो 2020 में आया है, the normalized ground state wave function of a one-dimensional quantum oscillator with force k and mass is this. ठीक है, which are following is probability of finding particle outside classically allowed region। classically allowed region क्या होता है, classically allowed region में, in the classically allowed region यार पीई पोटेंशियल एनर्जी, क्लासिकली अलाउड जो मैं आपको बताया हूं कि potential energy has to be less than energy. The Ke cannot be negative. Potential energy is less than equal to energy. अब boundary of classically allowed region क्या होगा? Boundary of classically allowed region defined by those x where the potential energy, the graph of potential energy intersect energy. अब Vx क्या है? Vx is and E is what? Ground state है ना? 1/2 H cross omega. तो पोटेंशियल ग्राफ ये बन गया तुम्हारा और एनर्जी का ग्राफ ये बन गया. तो पार्टिकल कहां तक रहेगा? जब तक V आपका E से छोटा है, मतलब ये मान लो माइनस है, ये प्लस है, तो यही आपका क्लासिकली अलाउड रीजन है. ठीक है, मतलब समझ लो कैसे आ रहा है. Vx प्लस के ई होता है टोटल एनर्जी. ठीक है, तो के ई क्या हो गया? के ई इज ई माइनस वी एक्स. और क्लासिकल में क्या, क्लासिकली अलाउड रीजन में के ई हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी वी एक्स इज लेस देन इक्वल टू. यही क्लासिकली अलाउड रीजन का मतलब कंडीशन है. ठीक है, तो आप देखो ये एनर्जी हो गया, एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्वेटिव सिस्टम है. और वी एक्स का ग्राफ ये है, तो जो जिस रीजन में वी एक्स जो है ई से छोटा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव है, वो रीजन क्लासिकली अलाउड होता है. और उसके बाहर वाला रीजन क्लासिकली फॉरबिडन होता है, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू नहीं, एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन माइनस है, ये क्लासिकली फॉरबिडन होगा. ये क्लासिकली फॉरबिडन होगा. अब साई तुमको दे रखा है, साई तुमको दे रखा है, तो मतलब क्या होगा इसमें? ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये जो साई है आपका, ये प्रोबेबिलिटी अगर निकालें हम, प्रोबेबिलिटी निकालें क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में रहने का, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में रहने का प्रोबेबिलिटी निकाल, यही पूछ रहा है ना, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी है, हैं? अच्छा देखो कैसे होगा. पहले तो क्लासिकली अलाउड रीजन का बाउंड्री निकाल लो, ए का वैल्यू निकाल लो. ए का वैल्यू कैसे आएगा? ए का वैल्यू आएगा, ये सब मिटा देते हैं, सब तो खाली एक्सप्लेनेशन के लिए था ना. जो क्लासिकली अलाउड रीजन है उसका बाउंड्री माइनस है और प्लस है से डिफाइन हो रहा है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना हम लोग. ठीक है, 2 कट गया and this gives you x equals to h cross by plus minus. So this is plus minus a, where a is ठीक है ना. अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दिस रीजन. तो क्या होगा, कैसे करोगे इसको? ऐसे कर लो, एक तो हो गया a टू इन्फिनिटी साई स्क्वायर dx, और दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस है. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. अब साई स्क्वायर क्या बन जाएगा? a टू इन्फिनिटी, और साई स्क्वायर क्या है? अल्फा अपॉन पाई 1/2 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस है अल्फा बाई पाई 1/2 e to the power माइनस. ठीक, अब ये दोनों इंटीग्रल सेम है. कैसे? अगर मान लो इसमें हम x इक्वल टू -y कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -y कर दोगे तो ये इन्फिनिटी टू a हो गया, और अल्फा बाई पाई 1/2 वाई स्क्वायर और dy माइनस साइन, क्योंकि dx इज माइनस ऑफ dy. ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, सेकेंड टर्म का बात कर रहे हैं ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए टू इन्फिनिटी अल्फा बाई पाई, ये जो लिमिट पलट जाएगा ना आपका, लिमिट पलट गया। अब वाई और एक्स तो डमी वेरिएबल होता है, यानी ये इंटीग्रल सेम हो गया ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये जो आ रहा है ट्वाइस ऑफ ए टू इन्फिनिटी अल्फा बाई पाई 1/2e अल्फा एक्स स्क्वायर dx ठीक है। अब ए क्या है आपका, ए इज h क्रॉस बाई m ओमेगा। अब देखो आंसर, देखो पहले आंसर देखो क्या क्या तुमको लाना है, देखो आंसर देखो। हमको 1 टू इन्फिनिटी वाला ए को 1, ये लिमिट को 1 से इन्फिनिटी ऐसे करना है। तो कैसे होगा ये तभी होगा जब हम x को ऐसे लिख दे, x इज az या a इज व्हाट, a इज h क्रॉस बाई m ओमेगा z। तो dx क्या हो जाएगा, dx विल बी h क्रॉस बाई m ओमेगा dz ठीक है। तो उस केस में आपका ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 टू इन्फिनिटी अल्फा बाई पाई 1/2 ई टू द पावर, अच्छा अल्फा एक्स स्क्वायर क्या बनेगा तुम्हारा, अल्फा एक्स स्क्वायर इज, अल्फा का वैल्यू देगा दिया होगा यार, अल्फा का वैल्यू दिया होगा देख लो क्या है, एम ओमेगा नॉट बाई एच ठीक है, एम ओमेगा नॉट बाई एच। तो हम ओमेगा लिख रहे हैं, एच है कि एच क्रॉस ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हमको। और इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एच क्रॉस बाई एम ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक तरह से हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। और डी एक्स क्या बनेगा, डी एक्स इज एच क्रॉस बाई एम ओमेगा dz, h क्रॉस बाई dz। और h क्रॉस बाई एम ओमेगा क्या है, h क्रॉस बाई एम ओमेगा तुम्हारा 1 बाई अल्फा है, 1 बाई अल्फा, h का होगा 1 बाई अल्फा। तो एक तरह से ये हो गया तुम्हारा 2/√π e to the power z square dz 1 to infinity। कौन सा, बी, बी आंसर आ जाएगा ठीक ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कई बार देखो ये तो मतलब ठीक है, कई बार ऐसा पूछता है क्लासिकली अलाउड रीजन में रहने का क्या प्रोबेबिलिटी है, उस केस में मतलब हम लोग को ये निकालना पड़ेगा माइनस है से प्लस है ठीक है। क्लासिकली अलाउड रीजन में रहने का क्या प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर करीब 0.83 ऐसे करके आता है, क्लासिकली अलाउड रीजन में रहने का प्रोबेबिलिटी ठीक है। क्लासिकली फॉरबिडन में 0.17 आता होगा फिर ठीक है, कन्फर्म नहीं है भाई, चेक कर लेना ठीक है, बहुत पहले ऐसा हम पढ़ाए हैं, बीच में लॉकडाउन के बाद हम छोड़ दिए थे पढ़ाना ठीक है। ये देखिए ओके, देखो क्वेश्चन, कंसिडर ए 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ ए, दिस सिस्टम कंटेन्स 5 नॉन इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ मास m। अच्छा 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ ए इनफाइनाइट है ठीक है, 5 नॉन इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इलेक्ट्रॉन है ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो फिर कैसे कैसे बटेगा, n = 1 इसमें एक अप एक डाउन पॉलीस्क्वायर प्रिंसिपल लगेगा ना, n = 2 इसमें अप डाउन रह जाएगा, इसमें हाईएस्ट हो जाएगा। और t = 0 केल्विन लिखा है, मतलब सिस्टम अपना ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, मतलब नीचे से भरना चालू होगा ना। ग्राउंड स्टेट मतलब T=0 पे लीस्ट पॉसिबल एनर्जी पोजेस करता है सिस्टम, तो लीस्ट पॉसिबल एनर्जी तभी होगा जो नीचे से भरना चालू करेगा, मतलब वैकेंसी नहीं रहेगा ना। T=0 केल्विन का मतलब यही होता है, T=0 केल्विन पे सिस्टम, कोई भी सिस्टम अपना लीस्ट एनर्जी पोजेस करता है, तो लीस्ट एनर्जी पोजेस होने के लिए नीचे से सब भरना चालू होगा ना। ठीक है, तो N=3 आपका हाईएस्ट वाला है, तो N=3 में आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर होता है ना जी। N=N²π²h²/2ma², तो N=3 करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, वी हैव टू कंसीडर स्पिन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, तो स्पिन हाफ पार्टिकल में पॉल्यूशन प्रिंसिपल लगता ही लगता है, मतलब एक स्टेटमेंट दो लोग रहेंगे, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ लेकर। ठीक है, ओके, ये 2020 में आया था आपका क्वेश्चन। ये देखो, कंसीडर पार्टिकल ट्रैप्ड इन 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, सब पता है हम लोग को। डिजेनरेसी ऑफ 5th एक्साइटेड सेट, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है ना, मतलब हम लोग ये देखते हैं ENX NY NZ होता है, चलो लिख ही देते हैं यार, YouTube में भरोसा नहीं है ना, कहाँ से लोग देखना चालू करता है। आइगन स्टेट जो है ना, NX NY NZ से डिफाइन होता है, तो जो ग्राउंड स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट तो ये हो गया। ठीक, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा वो 2 1 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे चलेगा। ठीक, जो सेकेंड एक्साइट, इस सब का एनर्जी सेम रहेगा, करके देख सकते हो। NX NY NZ कहीं भी 2 पुट करो, बाकी दोनों 1 पुट करना है, ये हो जाएगा 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 2 1 2, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड सेट, ये सेकेंड एक्साइटेड सेट। अब थर्ड एक्साइटेड सेट बहुत आगे का पूछा है जी। अब थर्ड एक्साइटेड सेट क्या हो जाएगा, 2 2 2 4 3 12 या 3 1 1 है, 2 2 2 तो हो गया 4 4 4 12, 3 1 1 हो गया 9, एक नहीं, ये नहीं रहेगा ना, 3 1 1 3 1 3 1, ठीक है, ये नहीं रहेगा, और 1 1 3 रहेगा, उसके बाद 2 2 2 आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ चेक करना है ना, तो फिफ्थ ये रहेगा। तीन रहेगा भाई, डिजेनरेसी 3 रहेगा। डिजेनरेसी विल बी 3, या और चेक कर ले भाई, 3 1 नहीं, 1 2 3 एक बार चेक करो, 3 3 9 9 18 19, और 1 2 3, 3 3 9 4 3, नहीं, यही कैच है, इसलिए क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 1 2 3 अब चेक करो, 1 2 3 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब अलग अलग है, यानी 3 खाना है हमको, 1 2 3 भरना है, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब जो फिल करोगे उसके, ये अलग अलग नंबर है ना सारा, इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, 1 2 3 3 तरीका है, इसको फिल करने के 2 तरीके हैं, और इसको फिल करने के तो कोई एक ही तरीका फिक्स ही है। ठीक है, जो बचेगा वही फिल हो जाएगा, तो इतने तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब 6 हो जाएगा, 6 तरीके से, यानी इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एरर कर रहे थे समझ रहे ना, ये नहीं होगा, देखना पड़ेगा स्क्वायर करके। देखो 3 3 1 करने पे 9 9 18 19 होता है, और ये आपका 3 3 9 4 13 14 ही होता है, ये आपका 12 होता है, ये आपका 3 3 9 11 होता है, ये आपका 4 4 8 1 9 होता है, ये आपका NX² + NY² + NZ² करेंगे तो ये 6 होता है, ये 3 होता है। ठीक है, तो ऐसे इस क्रम में चलेगा। 6 इसका डिजनरेसी हो जाएगा। 1 2 3 के अगर हम लोग एन एक्स एन वाई एन जेड बनाते हैं, एन एक्स एन वाई एन जेड और 1 2 3 पॉसिबल वैल्यू होते हैं। एन एक्स हम 3 तरीके से चूज कर सकते हैं, एन वाई हम लोग 2 तरीके से चूज कर सकते हैं और ये 1, यानी 6 तरीका टोटल। तो 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 1 2 3 के, इस तरह के 6 अलग अलग ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 बेस हो जाएगा, 6 डिजनरेसी विल बी 6 राइट। ये 2022 में आया था क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अपीयर इन 2022। ठीक है, आई थिंक एमसीक्यू इज ओवर, नाउ कम्स एमएसक्यू। एमएसक्यू में आपका जो है मोर देन 1 करेक्ट होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। 4 भी सही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है और कई बार 1 सही भी रहता है, फिर भी एमएसक्यू में डाल देता है। वही सब चीज़ देखना होता है, थोड़ा सा ऑप्शन इसके थोड़ा ध्यान से करने का चीज़ है ये। देखो क्या बोल रहा है, विच आर फॉलोइंग 2 डायमेंशन पोटेंशियल वेल है, एक एल है डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन 2L है। Which are following statement about the ground state energy E1 and the ground state eigen function is correct. देखो E nx ny will be h cross square pi square upon 2m nx square upon l square and ny square upon 4l square. ठीक है, अब ground state will be given by what? nx ny equals to 1, nx ny equals to 1. ठीक है, nx भी 1 लो और ny भी 1 लो, ground state आ जाएगा ना फिर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन होता कि पूछता फर्स्ट एक्साइटर से, बट ठीक है चलो इजी है तो अच्छा बात है। 1 + 1/4 मतलब 5/4 यानी 5/8। 5/8 एक तो ये सही है तुम्हारा। ठीक है, अब 5 पे आ जाए, एक तो ये सही है, अब 5 पे आ जाते हैं। पाई क्या होता है? फार्मूला होता है 2/√L sin nx pi x by L और दूसरा 2/2L ny pi y upon 2L। अब अगर हम लोग ये nx ny है, अब ग्राउंड स्टेट का बात करेंगे तो nx इक्वल टू 1 है तो 2/√L साइन पाई एक्स बाई एल और ये हो जाएगा 1/√L एन वाई इज ऑल्सो 1। √2/L साइन पाई एक्स बाई एल एंड साइन पाई वाई बाई 2L। बी एंड सी आर करेक्ट, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो 2016 में आया, ये कहाँ आया था? ये 2015 में आया था, ये 2016 है। ए फ्री पार्टिकल ऑफ एनर्जी कोलाइड्स विद 1 डायमेंशन स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर, अच्छा बैरियर है, ऑफ हाइट E एंड विड्थ W, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है आपका इज प्रोपोर्शनल टू e⁻¹⁰ के मतलब हो गया 2m v0 - e इंटू विड्थ मान लो l। ये देखिए ये याद रखना पड़ेगा 2kl, k इज दिस, l इज दिस, मतलब ये इक्वेशन होता है ना जी। अब वी नॉट ग्रेटर ही होता है तो इसको माइनस करके वी नॉट माइनस ही कर देते हैं, तो वही के ये मतलब ये आपका माइनस ऑफ के स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तो अब देखो पूछो, देखो क्या बोल रहा है, ई ग्रेटर वी नॉट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ पार्टिकल विल ऑलवेज बी यूनिटी। नहीं, देखो ई चाहे कितना ही बड़ा हो जाए ना, समझिए एक चीज, अगर ई आपका वी नॉट से बड़ा भी होगा ना तब भी देयर विल बी सम रिफ्लेक्शन। यही तो न्यूटनियन मैकेनिक्स का फेलियर है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है कि अगर ई ग्रेटर वी नॉट है तो हमेशा ही पास कर जाएगा, कोई मतलब चांस ही नहीं है कि पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ई ग्रेटर वी नॉट है। लेकिन क्वांटम में क्या, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं देखा गया। और यही चीज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स इसी चीज़ को तो डिस्क्राइब करने में सक्सेसफुल है। यही क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इस रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इसी को एक्सप्लेन कर पाता है। तो ई ग्रेटर वी रहेगा तो ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ पार्टिकल विल ऑलवेज बी यूनिटी। ये गलत है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, ऑलवेज बी यूनिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये आपका गलत है। E less than V not ट्रांसफर कोएफिशिएंट चेंजेस मोर रैपिडली विद W than V। W मतलब ये बोल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब V बढ़ाओगे तो इसमें E हमेशा माइनस होगा, लेकिन L बढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा L यहाँ पे लिखा होना, L माइनस समथिंग तो कुछ है नहीं, और इसका स्क्वायर रूट भी है। दो चीज है ना, एक तो V आप बढ़ाएंगे तो माइनस E होगा, तो वो फैक्टर जितने मतलब मान लो ट्वाइस किया तो ट्वाइस होगा, वी टू वी नॉट हो गया, तो मतलब ये ई तो माइनस तब भी होगा, और अंडर रूट भी है, वो भी वैल्यू कम कर देगा। ठीक है, तो एल आपका मतलब ये ठीक है, बी वाला आंसर, बी वाला ऑप्शन सही है आपका। फॉर ई लेस देन वी इफ वी इज डबल ट्रांसफर कोई आल्सो गेट डबल। नो, कहाँ डबल होगा, मतलब ये तो मतलब एक्सपोनेंट में है, तो ये तो लीनियर के केस होता है तब ऐसा होता है कि ट्रांसफर कोएफिशिएंट गलत। ट्रांसफर कोएफिशिएंट मतलब लीनियरली डिपेंड कर रहा हो वी पे, ऐसा तो है नहीं, तो एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस है, ये तो अलग ही है। सम ऑफ रिफ्लेक्शन में ट्रांसफर ऑलवेज बन, ये तो सही है। पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी तो देखो यहाँ से अगर हिट करेगा तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो दोनों जोड़ के तो वन ही होगा। ठीक है, और तीसरा केस तो बनेगा नहीं ना, मतलब इफ यू हैव से एन पार्टिकल 100 पार्टिकल सम विल रिफ्लेक्ट बैक सम विल गो इनटू दिस, और जोड़ेंगे तो टोटल मिला के तो हमेशा ही वन आएगा कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो बी और डी सही आंसर आपका, बी एंड डी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ये 2016 में देखो आया था। ये देखो, कंसिडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 5 नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल ऑक्यूपाइंग द, ठीक है, जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर मतलब नीचे से भरते हुए जाएगा, सिस्टम का एनर्जी जो है ना वो लिस्ट रहेगा, तो सिस्टम का एनर्जी लिस्ट का मतलब ये है कि नीचे से आइगन स्टेट भरते हुए जाए। ठीक है, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट इज करेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा या प्रोटॉन रहेगा तो पॉलीस्यून प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस है पॉलीस्यून प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और देखो एनर्जी जो आता है ई एन इज, ठीक है, अब इसमें अगर भरोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2H क्रॉस ओमेगा, ये हो रहा है 3/2H क्रॉस ओमेगा, ये हो रहा है 5/2H क्रॉस ओमेगा, ये हो रहा है 7/2H क्रॉस ओमेगा, और ये हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को लेट से ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, या प्रोटॉन के केस में दोनों ही स्पिन पार्टिकल है, तो कितना बनेगा, ये हो गया H क्रॉस ओमेगा 3H क्रॉस ओमेगा, मतलब दो दो पार्टिकल जा रहा है, तो इतना इंटू दो, इतना इंटू दो, इतना इंटू एक, मतलब 3×1=4 28 6.5 13/2। ये तो सही है, ये गलत है। स्पिनलेस होगा और फर्मियोन है, स्पिनलेस और फर्मियोन है, यानी सिर्फ क्वांटम, यहाँ पे क्वांटम नंबर क्या है एन और एम एस, मतलब एक में एन प्लस हाफ जाएगा, एक के साथ एन माइनस हाफ, किसी भी एन में ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा सकते हैं। पॉलीसिलिकॉन बेस होता है, क्वांटम नंबर कोई एक अलग होना चाहिए, तो एमएस वाला अलग अलग करके किसी भी स्टेप में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था। ठीक है, स्पिनलेस होगा तो ये तो गायब हो गया ना, यानी हर स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल जाएगा, इसमें एक जाएगा, इसमें एक जाएगा, इसमें एक जाएगा, इसमें एक जाएगा। ग्राउंड स्टेट चूंकि T=0 केल्विन है तो नीचे से भरना चालू होगा, तभी लीस्ट एनर्जी सिस्टम का होगा। तो एक एक पार्टिकल सब में जाएगा तो क्या बनेगा आंसर, 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16 और 9, 25, 25/2 H क्रॉस ओमेगा। ये ठीक है तुम्हारा। ठीक है, अब बोसोन रहेगा तो सारा पार्टिकल यही जा सकता है, तो बोसोन का स्पिन 1 होता है, सब पार्टिकल यही घुस जाएगा ग्राउंड स्टेट में। पॉलीसिलिकॉन प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई फॉर बोसोन, बोसोन के लिए पॉलीसिलिकॉन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पांचों पार्टिकल इसी में चला जाएगा, ये गुना 5 हो जाएगा, 5/2। ये सही है तुम्हारा, ACD ऑप्शन सही हो जाएगा, ACD इज करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, फास्ट नहीं होंगे मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, एमएसक्यूज ओवर नेट। नेट में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें आंसर जो होते हैं 5.2, 6.45, 12.0 ऐसे करके आंसर आता है। ठीक है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये देखिए क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर मास इज प्लेस इन 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स, व्हाट इज डिजनरेसी ऑफ द एनर्जी। अच्छा ठीक है, देखो यार ये होता है h² π² / 2ma² nx² ny² nz²। अब हमारा यहाँ से आ रहा है nx², ny², nz², 14। ठीक है, इधर किए थे यार, दोबारा नहीं करेंगे, 14 था ना। हाँ देखो कहाँ 14 आ रहा है, ये है 14 वाला केस, 6 स्टेट था। 2022 में देखो है क्वेश्चन, यही है ना 14, यही आ रहा ना, 1, 2, 3 6 तरीके से nx ny nz बन सकता है 1, 2, 3 से, तो 6 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो अलग तरीके से रिपीट हो गया है, मतलब समझ रहे ना, ये 6 हो जाएगा, 6 फॉर डिजनरेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सिस्टम 8 नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फाइंड बाय ए 3 डायमेंशनल पोटेंशियल VR = अच्छा ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन 3 डायमेंशनल वाला है, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे केस में जो होता है 3 डायमेंशनल का केस में, समझिए बात को, E nx ny nz is given by nx plus half h cross omega ny plus half h cross omega and nz plus half h cross omega. So this is nx plus ny plus nz 3/2। अब 8 नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल है तो कैसे कैसे फील होगा। देखो इलेक्ट्रॉन है, पहला स्टेट क्या बनेगा तुम्हारा nx = 1, ny = 1, nz = 1, तो दैट विल गिव यू व्हाट 3 + 3/2, 3 और 1.5 = 4, 9/2 H क्रॉस ओमेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक, इसमें 2 जाएंगे, मतलब एक एक जो फील होगा तुम्हारा, मतलब इसका ऐसे करके फील होगा 1, 1, 1 + ½ और 1, 1, 1 - ½। ठीक, एक स्पिन क्वांटम नंबर भी आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, फर्मियन है, तो एक तो 3 तो क्वांटम नंबर निकल के आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितने क्वांटम नंबर जनरेट करता है? जितना डायमेंशन का पोटेंशियल वेल होता है, पोटेंशियल वेल 3 डायमेंशन है तो 3 क्वांटम नंबर वहां से जनरेट होगा और 1 क्वांटम नंबर स्पिन अलग से आएगा, उसका जेनेसिस अलग है, वो कभी थ्योरी में डिस्कस होगा, अभी ऐसे डिस्कस नहीं हो पाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है, ध्यान दीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन का एक अलग ही एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम है, वहां से स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट होता है। तो स्पेस क्वांटम नंबर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जनरेट होता है, जितने डायमेंशन का पोटेंशियल वेल होगा उतने संख्या में क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जनरेट करेगा। ठीक, ये आ जाएगा। दूसरा 211 प्लस हाफ माइनस हाफ, सॉरी, और 121 112, दो तो यहां हो गए, 2 यहां हो जाएंगे, 2 यहां हो जाएंगे, 2 यहां हो जाएंगे, 6 दूसरे में चला गया। और इसका एनर्जी कितना बनेगा? 121, तो मतलब 9/2 है, तो एक और एच क्रॉस ओमेगा ऐड हो जाएगा, तो 11/2 एच क्रॉस ओमेगा, यानी एनर्जी कितना हो जाएगा? ग्राउंड सेट एनर्जी देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2 पार्टिकल यहाँ हो गए तो 2 × 9/2 एच क्रॉस ओमेगा, और 6 पार्टिकल यहाँ चले गए तो ये हो जाएगा 9 + 11 = 33। ठीक, 33 और 9 हो गया 42। ठीक है, ठीक है, 33 और 9 42 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 42 एच क्रॉस ओमेगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आएगा, ये लास्ट ईयर का है, लिख नहीं पाए हैं लगता है, पता नहीं हमारा टीम जो है लिखा नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन भी देखो, कंसीडर, ये तो लग रहा है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई नहीं। कंसीडर इलेक्ट्रॉन विद मास एंड एनर्जी ई मूविंग, देखो हम फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, एग्जाम में आप धीरे पढ़ना, हम टीचर है, ठीक है, हमको एग्जाम नहीं देना है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विथ मास एम एंड एनर्जी, तो हम लोग का प्रैक्टिस भी ज़्यादा है ना, इसलिए हम लोग फास्ट पढ़ सकते हैं। Consider electron with mass m and energy E moving along x-axis towards the finite state potential of height u naught as shown in figure. ठीक है, in the region x <0 momentum is p1 2 m e under root. ठीक है, the x reflection coefficient is given by this. p2 is the momentum in region 2. If in the limit e greater than u naught, r is this. Okay. यहाँ पे देखो बात कर रहा है ई ग्रेटर यू नॉट का। ठीक है, ई ग्रेटर यू नॉट होगा तो उस केस में, मतलब ये तो लिमिट का बात कर रहा है, बट इन जनरल जो हम लोग लेके चलेंगे वो भी ई ग्रेटर यू नॉट लेके चलेंगे, और फिर हम लोग बहुत बड़ा कर देंगे ई को यू नॉट से। ठीक है, तो ई ग्रेटर यू नॉट में आपका मोमेंटम पी1, तो चलो इधर तो फ्री पार्टिकल है, ये दे दिया 2 m e, क्योंकि इधर कोई पोटेंशियल एनर्जी था नहीं, तो सारा का सारा एनर्जी के ही है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड वाला रीजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखा है ना इसमें, सो दिस विल बी 2m ई माइनस कहाँ यू नॉट दे रखा है ना, यू नॉट, तो ई माइनस यू नॉट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी, और 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी यार पोटेंशियल मोमेंटम। तो आर दे रखा है आपको, आर इज व्हाट? p1 - p2 / p1 + p2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट? 2m e। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग वर्कआउट करो, मैथमेटिक्स करो थोड़ा, देखो क्या बन जाएगा। 2m e अंडर रूट से बाहर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट बाई ई का होल स्क्वायर। ठीक, इधर भी 2m ई बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस होल स्क्वायर। ठीक, चलो कोई नहीं, इधर करते हैं थोड़ा सा, ये कट गया, ये हमारा आर आ गया। ठीक है, अब ये क्या लिखाएगा 1 माइनस वी नॉट बाई ई टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस अब एक चीज समझो 1 प्लस एक्स एन is 1 plus nx when x is very less compared to 1। तो v not by e भी जो है ना, v not by e is also very less compared to 1 because e is very large compared to v not, e is very large compared to। अच्छा देखो u को मैंने v लिख दिया है तो समझ रहे ना, तो ये u not को v लिख दिया है मैंने, कोई नहीं अब चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर u not square by n e square में आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो 1 माइनस 1 बाई 2 वी नॉट बाई ई। ठीक, 1 प्लस अच्छा ये आ गया आपका 1/4। ठीक है, 1 1 कट जाएगा ना और स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 2 माइनस 2। ये कितना हो जाएगा देखो 1/4 वी नॉट स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। 2 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो तो 1/4 बनेगा तुम्हारा। हाँ, 1/4 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस फिर से वो अप्रोक्सीमेशन लगा लो 1 प्लस एक्स टू द पावर यानी 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, आई थिंक दोबारा ये अप्रोक्सीमेशन हमको लगता है इसी को 1 कर दिया है इसने, इसी को 1 कर दिया है, इसीलिए काफी से चेक कर लें। वी नॉट स्क्वायर बाई 4 ई स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या किया 2 को बाहर निकाल लिया, अच्छा चौका 16 हो गया। हाँ ठीक है, मतलब इसको भी इसने 1 अप्रोक्सीमेट कर लिया है, तभी आंसर आएगा ना। यानी n कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, n is 16, कोई लोचा तो नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। दिस कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू 1, राइट? दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, वी कैन नेग्लेक्ट इट। ओके, एवरीथिंग इज ओके। 16 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, दिस इज नाउ कंप्लीट, राइट? तो वी हैव डन दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके आगे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो है स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, दो टॉपिक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So let's end over here, and if you are liking these videos, if the videos are helpful, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ट्रैजेक्टरी एजुकेशन, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।